यार बच्चों, आज हम 10वीं 9th क्लास की वर्कशीट गणित की 25वीं पढ़ेंगे। ठीक है, वर्कशीट नंबर 25 है आज। इसमें हम पढ़ेंगे त्रिभुज की माध्यिका और शीर्षलंब के बारे में। त्रिभुज की माध्यिका और शीर्षलंब के बारे में क्वेश्चन क्या कहता है आपसे? तो देखिए, प्रश्न क्या है आपके पास, इस तरह से कहता है, आवश्यक पूर्व ज्ञान क्या होना चाहिए? एक ही रेखा के दो बराबर भागों और एक ही रेखा पर लंब की पहचान कर पाना। ठीक है, दो बराबर भाग हैं और लंब है, इसकी पहचान, इसके बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है, जैसे कि आपको आकृति में फिगर दिखाई दे रही होगी, स्क्रीन पर लिखा हुआ भी दिखाई दे रहा होगा कि हम त्रिभुज एबीसी की रचना कर रहे हैं। इसे ध्यानपूर्वक समझिए, त्रिभुज एबीसी लिया, ठीक है, भुजा बीसी का मध्य बिंदु डी, भुजा बीसी का मध्य बिंदु यानी कि जितना ये है उतना ही है, मध्य बिंदु आपने क्या ले लिया जी, डी ले लिया जी। ठीक है, थोड़ा बड़ा दिखा देते हैं। शीर्ष ए से मध्य बिंदु डी को मिलाया, ए से मध्य बिंदु डी को मिलाया, मिला दिया जी। इस प्रकार जो प्राप्त एडी प्राप्त होना भैया जी, ये जो एडी है, ये एडी ही आपकी कहलाती है माध्यिका। क्या कहलाती है जी? माध्यिका कहलाती है। यानी कि ज्योमिति में किसी त्रिभुज में शीर्ष को उसके सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा त्रिभुज की माध्यिका कहलाती है। त्रिभुज के किसी शीर्ष बिंदु से किसी अन्य जो सम्मुख भुजा है उसके मध्य बिंदु से अगर हम मिला देते हैं शीर्ष को, तो जो भुजा आपको प्राप्त होगी वो क्या कहलाएगी? आपकी माध्यिका। वो जो रेखा प्राप्त होगी वो क्या कहलाएगी? आपकी माध्यिका। त्रिभुज की तीन माध्यिकाएं होती हैं। कितनी माध्यिकाएं होती हैं त्रिभुज की? तीन माध्यिकाएं। एक ये हो गई, एक बी सी शीर्ष से जाएगी, ठीक है, ये हो जाएगी आपकी एक माध्यिका, और एक सी शीर्ष से जाएगी, तो एक माध्यिका ही हो जाएगी। ठीक है, और ये तीनों जो माध्यिकाएं होती है एक ही बिंदु पर काटती हैं। तीनों रेखाएं जो तीनों माध्यिकाएं हैं वो एक ही बिंदु पर काटती हैं, और इन बिंदु को कहते हैं केंद्रक। क्या कहते हैं? केंद्रक कहते हैं हम इस बिंदु को। क्या कहते हैं जी? केंद्रक कहते हैं। अच्छा जी, अब आगे कहता है बूझो तो जाने। कुछ क्वेश्चन उसने दिए हैं वो देखते हैं। उसने पहले भाग में हमसे पूछा कि पता कीजिए कि त्रिभुज की माध्यिका सदैव त्रिभुज के अंदर होती है या बाहर होती है। तो कहाँ होते हैं त्रिभुज की माध्यिका? सदैव कहाँ होंगी? अंदर होंगी। ठीक है जी, दूसरे भाग में उसने हमसे पूछा क्या त्रिभुज की तीनों माध्यिका एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं या अलग अलग? तो किस बिंदु पर करती है जी? एक ही बिंदु पर। अलग अलग थोड़ा ही करते हैं, किस बिंदु पर करते हैं? एक ही बिंदु पर। एक ही बिंदु पर। अच्छा जी, आप तीसरे भाग में उसने पूछा है, देखते हैं क्या पूछा उसने। त्रिभुज की माध्यिका जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है उस बिंदु को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं उस बिंदु को जहां तीनों माध्यिका प्रतिच्छेद करती है? उस बिंदु को कहते हैं हम केंद्रक। क्या कहते हैं जी? केंद्रक कहते हैं। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब आप प्रयास करें, उसने एक त्रिभुज दे दिया है आपको, त्रिभुज, चलो हम इसी में नाम दे देते हैं त्रिभुज को, उसने दिया है पी क्यू आर दिया जी, हम चलो जी इसको पी क्यू आर दे देते हैं। चलिए अगले देख ही लेते हैं, आगे पी क्यू आर देखते हैं अभी थोड़ा रुक के। आपको फिगर आपको दे रखी है, कहता है अब आप जो त्रिभुज पी क्यू आर की माध्यिकाओं के नाम लिखें। तो माध्यिका आपको क्या दिखाई दे रही है? माध्यिका आपकी हो गई पी बी, खाली स्थान उसने खुद ही लिख के दिए, एक माध्यिका होगी पी बी, एक क्या होगी आपकी क्यू सी, ठीक है, और तीसरे खाली स्थान में आपका क्या जाएगा, और तीसरी माध्यिका आपकी हो गई आर ए, ठीक है, ये क्या हो गई आर ए, ये आपकी तीन माध्यिकाएं हो गई। अब देखते हैं हम आगे क्या है। देखिए क्या कहता है, कहता है हमने एक त्रिभुज डी एफ की रचना कर रहे हैं, इसे ध्यानपूर्वक समझिए। स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा, डी एफ ले लिया त्रिभुज, शीर्ष डी से इसके सम्मुख भुजा ई एफ पर एक लंब खींचा गया है। सम्मुख भुजा ई एफ पर क्या खींचा गया? हमने एक लंब यानी कि 90 डिग्री का कोण बनाया है। प्राप्त रेखाखंड डी जी, ये जो रेखाखंड हमको डी जी प्राप्त हुआ यही आपका कहलाता है लंब, ठीक है जी, और इस डी जी को ये जो लंब हमने खींचा ये आपका कहलाएगा शीर्ष लंब। क्या कह देते हैं हम इसको? शीर्ष लंब कहते हैं, ठीक है जी, परपेंडिकुलर। अब कहता है ज्योमिति में किसी त्रिभुज के एक शीर्ष से होकर जाने वाली रेखा, ज्योमिति में एक शीर्ष से होकर जाने वाली रेखा जो शीर्ष की सम्मुख भुजा पर लंब हो क्या कहलाती है आपके उस त्रिभुज की? शीर्षलंब कहलाती है। आगे फिर क्वेश्चन दिया है, कहता है बूझो तो जाना।
एक त्रिभुज में अधिकतम कितने शीर्ष लंबों की रचना हो सकती है? तो कितनों की हो सकती है जी? 3 शीर्ष लंबों की रचना हो सकती है। तो आंसर हो गया ये पहले का आपका, कितने शीर्ष लंब हो सकते हैं जी आपके? 3। दूसरे का आंसर में क्या आपका कहता है, एक त्रिभुज के तीनों शीर्ष लंब जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं उस बिंदु को क्या कहते हैं? कहता है जो 3 शीर्ष लंब अगर मैं खींच दूं यहां पर, एक ये खींच दिया, ये 90 डिग्री का है समझिए, है जी, एक शीर्ष लंब ये हमने खींच दिया, ये भी 90 डिग्री का, तो जो बिंदु ये जो काटेगा ये कहलाता है आपका अंतःकेंद्र। क्या कहलाता है आपका? अंतःकेंद्र यानी कि इन सेंटर, ठीक है। क्या कहलाता है आपका? अंतःकेंद्र कहलाता है। कहता अब आप जो प्रयास करें, उसने एक फिगर दे रखी है आपको, देखते हैं आगे दिया है, आप प्रयास कीजिए कि त्रिभुज PQR के शीर्ष लंबों के नाम बताने। तो क्या होंगे जी इसके शीर्ष लंबों के नाम? एक शीर्ष लंब क्या हो गया आपका, पहले खाली स्थान में जाएगा PV, दूसरे खाली स्थान में क्या जाएगा QC, और तीसरे खाली स्थान में जाएगा क्या आपका जी RA। इस तरह से 3 क्या है जी आपके शीर्ष लंब हो गए, ठीक है जी। इस तरह से वर्कशीट तो कंप्लीट हो जाती है। कुछ अभ्यास के लिए प्रश्न है, उसने कहा त्रिभुज के, देखते हैं क्या है प्रश्न। इसके लिए प्रश्न उसने पूछा है कि त्रिभुज की तीनों माध्यिकों को दिखाते हुए त्रिभुज की रचना कीजिए। एक त्रिभुज की हम रचना कर देंगे, पहले क्वेश्चन का आंसर है देखिए। उसमें होना क्या खास बात चाहिए कि माध्यिका खींचनी, माध्यिका मतलब ये जो बिंदु होना चाहिए, इन दो भुजाओं का मध्य बिंदु होना चाहिए, ठीक है। तो ये माध्यिका होगी, ये जो बिंदु होना चाहिए इस पूरी भुजा का क्या होना चाहिए, मध्य बिंदु होना चाहिए। और ये जो बिंदु आप लोगे, ये पूरी भुजा क्या लोगे, मध्य बिंदु। कोई भी त्रिभुज बनाकर आप जो है मध्य बिंदु लेकर उसके सम्मुख शीर्ष से क्या कर देंगे, मिला दो, तो इस तरह से आपके त्रिभुज की रचना हो जाएगी, ठीक है जी। और ये उसकी क्या कहलाएंगे, माध्यिकाएं कहलाएंगे। लेकिन दूसरे क्वेश्चन में उसने कहा कि त्रिभुज के तीनों शीर्ष लंबों को दर्शाते हुए त्रिभुज की रचना के, तीनों शीर्ष लंब आपको दर्शाना है, शीर्ष लंब का मतलब 90 डिग्री का कोण आपको बनाना ही बनाना है। तो आप इस यहाँ से इसके ऊपर डालेंगे, परपेंडिकुलर डालेंगे, लंब डाल देंगे, एक लंब इधर डाल देंगे, एक लंब इधर डाल देंगे। इस तरह से त्रिभुज ABC की PQR की पहले रचना कर लेंगे, PQR बना लेंगे वो त्रिभुज, उसके बाद उन तीनों पर क्या डाल देंगे, तीनों शीर्षों से सम्मुख भुजा पर एक लंब डाल देंगे, 90 डिग्री का कोण डाल देंगे, वही आपको क्या लगेगा त्रिभुज की रचना हो जाएगी, ठीक है। तो आसान है, इसमें कुछ खास नहीं है, क्योंकि रचना अगर प्रकार से नहीं करनी है आपको, यहाँ पर आपको रफ रचना करने कर लेनी है, क्योंकि प्रकार से जो करनी पड़ेगी आपको, रचना का अलग चैप्टर होगा उसमें करनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसको डायरेक्ट ऐसे ही बना देंगे, नाप कर एक लंब ले लेंगे, ठीक है, 90 डिग्री कोण, ठीक है। इस तरह से आपकी वर्कशीट जो है कंप्लीट हो जाती है। उम्मीद करते हैं आपको वर्कशीट समझ में आई होगी। अगर वर्कशीट आपको अच्छी लगी है तो, और इसका हल वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।